तो अगर आप अपने दिमागी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और शारीरिक गतिविधि के लिए भी ये बेहतरीन काम करेगा। ये आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है, आपके दिमाग को अलर्ट और ऊर्जा से भरपूर रखता है। ये आपको जबरदस्त ऊर्जा देता है और साथ ही आपको बहुत ही शांत रखता है। तो फल शरीर के लिए चमत्कारी चीजें कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन आपके सिस्टम के लिए अद्भुत चीजें कर सकता है। अगर आप पूरी तरह से फलों पर ही रहते हैं तो 2 घंटों के भीतर ही आपको पेट खाली महसूस होगा। तो आपको इसमें डटे रहने की आदत डालनी होगी, ज्यादा एनर्जी लेकिन खाली पेट। ऐसे समय ही आपका दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करता है। ऐसे समय एक इंसान के रूप में आप सबसे अच्छी तरह काम करते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप अपने दिमागी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और शारीरिक गतिविधि के लिए भी ये बेहतरीन काम करेगा। खास तौर से आज की दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक इंसान का मूल्य, मैं कार्यक्षेत्र की बात कर रहा हूं, एक इंसान का मूल्य उसकी दिमागी क्षमता से होता है, न कि उसके बाहुबल से। तो इस चीज में फलों से निश्चित ही एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक और चीज जो आपके रोज के खाने के लिए बहुत ही अच्छी है वो है शहद। शहद इस धरती पर मिलने वाला एकमात्र पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना इंसान के खून से बहुत मिलती जुलती है। आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा ही है। हर रोज शहद का इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य के लिए कई चीजें कर सकता है, खासकर जिन्हें ज्यादा बलगम की समस्या रहती है। यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दिमाग के लिए भी। यह आपके दिमाग को अलर्ट और ऊर्जा से भरपूर रखता है। तो रोज शहद खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आपकी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उन्हें रोज शहद खाना ही चाहिए। ये उनकी विकास और हर चीज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सफेद कद्दू भी। सफेद कद्दू के जूस के साथ शहद आपके बच्चों की दिमागी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन डाइट होगी। चॉकलेट खाने वाले बड़ी दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि वो उसमें मौजूद इतनी मात्रा में चीनी खा रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ चॉकलेट खाएं तो ये एक खास तरह का उत्तेजक है, बड़ा ही अजीब तरह का। इसके अपने फायदेमंद गुण हैं, और असल में आपका दिमाग चलने लगेगा। सच में आपका दिमाग थोड़ा बेहतर काम करेगा अगर आप कोको ले रहे हैं, पर इतनी चीनी के साथ नहीं। चीनी पूरा खेल बिगाड़ देती है। अगर आप बस कोको खाएं, अगर आप कोको के बीजों को चबाएं, एक बार आपको इसकी आदत हो जाए तो ये बढ़िया होते हैं। चॉकलेट कोको के बीज अगर आप इन्हें चबाएं तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। सफेद मिर्च और कोको के बीजों में एक चीज काफी समान है। भारत में हम शहद और काली मिर्च को मिलाकर कई समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं, लोगों की कई समस्याओं के लिए, और ये चमत्कारी परिणाम देता है। कोको में भी ऐसे ही गुण होते हैं और ये तीखा भी नहीं होता। 100% शुद्ध चॉकलेट भी आती है, पर शायद आप में से ज्यादातर उसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये कड़वी होती है। अगर आप उसे बिना चीनी के खा सकें या फिर कम से कम चीनी के साथ, तो ये बढ़िया होगी। अगर आप हर रोज एक गिलास सफेद कद्दू का जूस पिए तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया है। विशेषकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस पीना ही चाहिए। रोज इस जूस को पीने से आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा स्पष्ट और तेज है। रोज सफेद कद्दू का जूस पीने के कुछ हफ्तों में ही ये फर्क नजर आएगा। आप देखेंगे कि सुबह अगर आप कॉफी पिएं, तो ये आपको ऊर्जा देती है, पर एक उग्रता के साथ।
अगर आप एक गिलास सफेद कद्दू का जूस पिए, ये आपको जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा देगा, लेकिन साथ ही आपको बहुत शांत भी रखेगा। आप जितना ज्यादा ये पी सकते हैं आपको लेना चाहिए। पर आप में से वो जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, जिन्हें जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पीते हैं तो आपको तुरंत जुकाम हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम को ठंडा करता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च मिला लेना चाहिए। ये उसके ठंडा करने वाले प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देगा। अंकुरित फेनुग्रीक या जिसे मेथी कहा जाता है, ये बीज खून को बढ़िया से साफ करते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं। Very good for lactating mothers, great for hair and nail growth, reduces blood pressure. स्तनपान कराने वाली माओं के लिए बहुत अच्छे हैं, बाल और नाखून बढ़ाने में सहायक हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, खून में शुगर के स्तर को नीचे लाते हैं, सूजन कम करते हैं। अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग के साथ ये दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है उन्हें ये हर रोज जरूर लेना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा और आप धीरे धीरे इसे खो देंगे।